अरे नाना जी, आपकी तो बॉम्बे में इतनी पहचान है, किसी से बात कराओ ना एक बार। बेटा बात तो मैं करा दूंगा, लेकिन एक बात है, कमीशन लगेगा उसमें। ठीक है नाना जी, बात तो करो। नाना जी की जाओ, साधु भाई की जाओ, ये लो मुंह मीठा करो भाई। लो लो लो, आप लो लो लो। लेकिन किस चीज के, ये तो बताओ। बताएंगे, पहले खाओ तो। अरे लो लो लो, साधु भाई आप तो मेरे हाथ से खाओ यार। पर ये मिठाई किस खुशी में? अरे अभी तो बोला कि बताता हूँ, पहले मुंह तो मीठा करो। लो खाओ खाओ। अब सुनो खुशखबरी, मथुरा व्यापारी संघ ने ना साउथ जोन से प्रेसिडेंट पद के लिए मुझे चुना है। वाह भाई वाह, ये कोई बात नहीं हुई साधु भाई, आप हर जगह अपनी दावेदारी ठोक देते हो। पर पहले मुझसे पूछ तो लिया होता। आपसे क्या करना था पूछ के, और वैसे भी साडू भाई उन्होंने चुना है मुझे, मैंने थोड़ी चुना है। आप ठहरे कलाकार हैं, आपका इस काम में क्या काम? आप तो चाहते ही नहीं हो साडू भाई कि आपके अलावा किसी और को कोई जाने, खास तौर से मुझे। नहीं चाहिए मुझे आपकी मिठाई ठाई। इस घर का बड़ा जमाई मैं हूँ, इस पर पहला हक मेरा होना चाहिए। इस घर में मेरे साथ पक्षपात हो रहा है। अरे क्या क्या पक्षपात हो रहा है नाना जी, आप बता दो मुझे क्या पक्षपात हो रहा है। बेकार की बातें करवा लो इनसे, ये खुद तो दुकान के कामों से जी चुराते भागते हैं, अब चुनाव की बात सुन ली तो इनकी जिज्ञासा बढ़ गई है। देखो चिंटू बेटा, ये तो जगदम्बे बताएगी किसके साथ पक्षपात हो रहा और किसके साथ नहीं। ये लड्डू मेरे को और दे, ये झूठे वाला मत खा लेना। ये नहीं, ये अजाब गजाब घर जमाई। अरे महान बेटा, हम क्यों करेंगे किसी के साथ पक्षपात? हमें तो पता भी नहीं था कि चिंटू जमाई इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। वो तो जब चिंटू ने आकर मिठाई खिलाई तब हमको पता चला। हाँ, कुछ महीने पहले व्यापारी हमारे पास जरूर आए थे, कहने लगे जगदम्बा जी आप फिर से प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ी हो जाएं। हमने कहा ना बाबा ना, 5 साल से लगातार प्रेसिडेंट बन के हम उकता गए हैं, अब इस उम्र में कहाँ भाग दौड़ करेंगे। वो वैसे भी महान बेटा, व्यापारी संघ का प्रेसिडेंट बनना कोई आसान काम नहीं है। अरे बहुत झंझट के काम है। पहले दुकानदारों को समझाओ, पुलिस की तनातनी, कभी किसी नेता का फोन आ जाता है, बहुत झंझट है बेटा। तुम क्यों पढ़ना चाहते हो इन झंझटों में, अपने हीरोपंती में रहो। और वैसे भी ये बाहर के टेंशन घर में नहीं लाने चाहिए, घर में अशांति मत करो भाई, समझाओ इसे। नानी जी की जाओ। नानी जी भी मेरी भावना नहीं समझ रही। मैं एक अभिनेता हूँ, और अभिनेता का संधि विच्छेद करो ना तो उसमें से एक नेता बाहर निकलता है, वो भी तत्काल प्रभाव से। लेकिन अब आप देखिएगा कि मेरे अंदर से नेता कैसे बाहर निकलता है। यह अचानक महान के अंदर चुनाव की गर्मी इतनी तेज कैसे हो गई? पता नहीं कौन सी आग पी है सुबह सुबह इन्होंने। लॉली जी, एक बात आप सच सच बताना कि लोगों के बीच उठने बैठने और उन्हें इंप्रेस करने में क्या आपके महान कपूर का कोई सानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना मान जी, मैं आपकी बीवी और आप बीकॉम, इसीलिए आप जो भी काम करेंगे बी फॉर बेस्ट ही करेंगे। अब देखिए ना, आप मांसाहारी तो है नहीं, फिर भी आपने मास कॉम का डिप्लोमा किया है, वो भी इग्नो से, इसीलिए मेरे महान जी को कोई नो कह ही नहीं सकता। यस, वेरी यस। मैं ताड़ू भाई से बेहतर कैंडिडेट हूं, और लॉली जी अगर मैं चुनाव में खड़ा होता ना तो जीतता जरूर, और पूरे मथुरा में मेरी साख बढ़ती। और अगर कभी कोई प्रोड्यूसर मथुरा में शूटिंग करने आता तो वो लॉली जी आपके इस महान कपूर को जरूर ब्रेक देता, लेकिन मेरे सपने को साड़ू भाई ने ब्रेक कर दिया। आपको पता है लॉली जी, साड़ू भाई अपने MD होने का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अरे बेटी, दामादों को जितना मुझे समझाना था मैं समझा चुका, इससे ज्यादा वो समझने को तैयार नहीं। अब तुम एक काम करो, अपनी बेटियों को समझाओ। वो तो हम समझा देंगे बाबूजी, लेकिन समझाना क्या है? अरे अरे, ये समझाना है कि वो अपने अपने पतियों को समझाएं कि चुनावी सावन के बीच में दामादों की बरसात हो गई ना तो फिर घर में कीचड़ फैल जाएगा, और जब कीचड़ फैला तो उसमें सांप बिच्छू पैदा हो जाएंगे। घर का झगड़ा अगर घर के बाहर गया ना तो लोग तमाशा देखेंगे। तुमसे हो पाएगा बाबूजी, हो पाएगा। वही तो मैं भी कह रहा हूँ नाना जी, नाना प्रकार से मैंने साडू भाई को समझाने की कोशिश की, पर वो बार बार ना में सर हिला रहे हैं अपना। कैसे कैसे समझाएं उनको बताओ। ये इधर आओ, इधर आओ, अरे इधर आओ। महान जमाई जी, हम कहना चाह रहे थे कि आप चुनाव में क्यों जा रहे हैं, आप एक एक्टर हैं, एक्टिंग पे ध्यान दीजिए, वो आपसे हो जाएगा।
ये भी हो जाएगा सासू माँ, क्योंकि एक एक्टर वही होता है जिसमें डर नहीं होता, इसलिए एक एक्टर में ही लीडरशिप की क्वालिटी होती है। जो डर गया समझो मर गया, और साड़ू भाई हमें डराना चाहते हैं, अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं, समझ गई आप? बाबूजी, जो मैंने काम कहा वो करो जाओ। साड़ू भाई क्यों आप छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हो हैं? देखो साड़ू भाई, जो साउथ जोन के व्यापारी है ना, उनसे मेरी बातचीत हुई है, वो लोग कह रहे हैं इस बार थोड़ा मुश्किल है, अगली बार महान जी की सरकार है आपको बना देंगे वो दावेदार प्रेसिडेंट के पद के लिए। चलो आप तो गुस्सा थूक दो हैं, चलो हंस के दिखाओ यार अब हैं। देखो इंसान और रोटी गर्म अच्छी लगती है, जली भी नहीं, ठंडे हो जाओ बाप। आप तो यही चाहते हैं ना साड़ू भाई कि मैं ठंडा रहूं और आप मुझे कुल्फी बनाकर खा जाओ। ये जलन कोई मामूली जलन नहीं है साड़ू भाई, आत्मसम्मान की जलन है ये। अरे क्या जरूरत थी आपको यूनियन वालों से बात करने की? आपको मुझे नीचा दिखाने में क्या अच्छा लगता है? साड़ू भाई मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। अपने आप को साबित करने के लिए मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। देख लो आप, हुआ कोई फायदा? दीवार में सर मारोगे क्या होगा? जगदम्बे की पसंद है मेरी नहीं, क्या करें जी, अब लड़ सकते हैं ना? ठीक है, मैं पर्चा भरूंगा जी, थैंक यू। क्या है ये सब साड़ू भाई? क्यों, आप लड़े तो नेता, हम खड़े हो तो क्या? आप खड़े होंगे ना तो आप मेरी ही वोट काटोगे, और इससे फायदा पता है किसको पहुंचेगा? सीधा नॉर्थ जोन वालों को। थोड़ी तो समझो राजनीति आप। मुझे नहीं समझनी आपकी गंदी राजनीति, मैंने फैसला कर लिया बस। आप ही समझाओ नाना जी ने आप। अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। अब नाना जी को भी आप मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। अरे साडू भाई, मैं किसी को किसी के खिलाफ नहीं भड़का रहा हूँ, और हो क्या गया आपको? नहीं, मुझे ये बता दो कि आपका मेरा क्या कॉम्पिटिशन? साडू भाई मेरा आपका कॉम्पिटिशन तो बनता ही नहीं है, मैं टैलेंटेड हूँ, टैलेंटेड था और टैलेंटेड रहूंगा। सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते साड़ू भाई कि मेरे सामने चुनाव में खड़े होने में आपको अपनी असली नानी याद आ रही है? मेरी बूढ़ी नानी को बीच में मत लाना, मैं बता रहा हूँ आपको। नहीं लाते, लेकिन फिर एक मर्द की तरह मुकाबला करके दिखाइए। ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है, मुकाबला ही होगा है ना, बहुत होगी रिश्तेदारी और बहुत होगा भाईचारा, बहुत हो गया समझना और समझाना, अब सीधा आमने सामने बात होगी। ठीक है, इतना अच्छा मोबाइल कहाँ से मिला मान जी? लॉली जी, जब आपको आपके अपने काटते हैं तब पराए मोबाइल बांटते हैं। यूनियन में जो लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने ही दिया है, और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि इस चुनाव में वो मुझे पूरा सपोर्ट करेंगे, मैं बेखौफ होकर चुनाव लड़ूं, और चुनाव में जो भी जरूरत पड़ेगी उसके लिए वो हमेशा हाजिर रहेंगे। लॉली जी, अब आप ही एक बात बताइए, अगर आपके महान में कोई बात नहीं होती तो क्यों इतने बड़े लोग उनका सपोर्ट करते है? महान जी बिल्कुल है, और इस बार का इलेक्शन जीत कर आप ये साबित कर देंगे कि मेरे महान जी में बात ही बात है। यूनियन के 4-5 लोग हैं, वो साउथ जोन में आते हैं, और वो जो नॉर्थ जोन वाला है ना चंडूक चौधरी, उसके बहुत खास हैं 4-5 आदमी, उन्होंने ही ना चंडूक चौधरी के कहने पर साड़ू भाई के अंदर हवा भरी है, पक्की बात है। और ऐसी हवा भरी है पूछिए मत, जीजू तो जीजू, बीवी को सुनने को तैयार नहीं है। क्या समझाऊं साड़ू भाई को, क्या करूं उनका? आपको तो पता है डॉली जी, मैं तो इज्जत के चक्कर में मरता हूँ, यही सोच रहा हूँ कि साड़ू भाई है, मान जाएंगे, समझ जाएंगे, समझ जाएंगे, इसीलिए समझा रहा था, पर वो समझने नहीं चाहते क्योंकि उनको किसी और ने समझा रखा है। वो मेरे साथ कंपटीशन कर रहे हैं, किस बात का कंपटीशन? हम तो एक ही घर के लोग हैं, हमारा क्या कंपटीशन होगा हैं? पर ठीक है, कोई बात नहीं, इलेक्शन लड़ना है ना उनको, लड़ो, मैं भी देखता हूँ कैसे जीतेंगे वो। उनकी जमानत जब्त नहीं करा दी ना तो मेरा नाम चिंटू चौटाला नहीं। अजाब गजाब घर जमाई। क्या घर के लोग मुझे बहलाने की कोशिश करेंगे? अरे नहीं नहीं, अरे मैं नरम पड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूं, आप चिंता मत करिए इस बारे में,
इस बार चाहे कुछ भी हो जाए ये चुनाव हम ही जीतेंगे। और साळू भाई ये चुनाव हारेंगे। हाँ हाँ मुझे पता है, आज चुनाव में पर्चा भरने का आखिरी दिन है, 4 बजे का टाइम है ना, मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ अरे बड़े लाल ये छुप छुप के बातें सुनना बंद करो अब। अच्छा बड़े लाल जी मैं क्या कह रहा था, एक बात बताइए, आप हमारे साथ हैं या साळू भाई के साथ? नहीं मैं आपके साथ हूँ जमाई जी, नहीं छोटे जमाई जी के साथ। मैं हूँ मालकिन जी के साथ। अच्छा उन्होंने पूछा है कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं है? नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। जय अरे डॉली जी जल्दी कीजिए, 4 बजे से पहले पहले नॉमिनेशन भरना है। महान जी अच्छे से नाम भरिएगा। अरे लॉली जी जल्दी कीजिए, नामांकन का टाइम निकला जा रहा है। महान जी बाबा जी से ताबीज लाई हूँ, आप जरूर जीतेंगे। विजय भव चिंटू जी जाइए लड़िए और जीत के आइए। लेकिन चिंटू जी दीयो और जीजू के खिलाफ लड़ना वो भी तो अच्छा नहीं लग रहा है ना। ओहो आओ इधर आओ आप बैठो यहाँ पे। आप डॉली जी कितने सारे सीरियल देखती हो ना, आप महाभारत सीरियल भूल गई क्या? याद है ना उसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन जी से क्या कहा था, ना तो कोई अपना है ना कोई पराया है, इंसान को अपने धर्म पर चलकर अपना कर्म करना चाहिए, समझिए आप। अब साळू भाई ने मुझे ललकारा है, अगर मैं पीछे हट जाऊंगा ना तो दुनिया मुझे कायर कहेगी, समझ गई ना आप? हाँ। देखो आपके दिए की लौ ना कितनी देर से जल रही है, घी भी आधा हो गया इसमें, मतलब टाइम भाग रहा है ना, कितनी देर से जल रहा होगा। मेरे को नॉमिनेशन भरने जाना है ना, अब मैं चलता हूँ डॉली जी, बाद में मिलेंगे शाम को। ठीक है जी, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ठीक है लॉली जी अब मैं निकलता हूँ। आ जाओ। और हमारी मोनोबुद्धि का टेस्ट कैसा रहा? ये बड़ा दूध का ग्लास पीएंगे तब बताना। हाँ मालकिन मालकिन गजब हो गया, दोनों जमाइयों ने इलेक्शन के लिए पर्चा भर दिया। क्या? हाँ। ये बांके बिहारी ये दिन देखने को बचा था, सुना आपने जगदम्बे? मैं तो समझा समझा के थक गया, लेकिन मेरी सुनता ही कौन है? ओ जाओ बेटा तुम कपड़े बदल लो अपने। बड़े लाल समझ गया मालकिन, समझ गया। जगदम्बे पिछली बार हमें नॉर्थ जोन और साउथ जोन से वोट मिले थे 1500 है, और हमने कितने सोचे थे 2000, 500 वोट कम मिले और वो हेरा फेरी कर गया चंडोक सिंह, और उसे मिले कितने 1100, वो हार गया। अब वो हार का बदला लेने के लिए आमादा है, कुछ भी कर सकता है वो। अगर महान और चिंटू दोनों खड़े हो गए ना तो समझो दोनों की हार निश्चित है। लॉली जी आपको पता है उन लोगों ने मुझे कहा है कि मेरे चुनाव में खड़े होने का मतलब है कि चंडोक के आधे वोट गए और साळू भाई के आधे वोट तो मुझे ही मिलेंगे, यानी चंडोक के 550 वोट और साळू भाई के 750 वोट, दोनों मिलाकर 1300 वोट। लॉली जी आपके इस महान कपूर का जीतना तो तय है। अरे बेटा अब आप ये बताइए आपने स्कूल में क्या क्या किया? पापा सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पापा चुनाव पे तो जा रहे लेकिन जीत के नहीं आएंगे, मैंने तो उन्हें कह दिया मेरे पापा जरूर जीत के आएंगे, और आप तो मेरे सुपरमैन है ना? हाँ बेटा हम आपके सुपरमैन पापा हैं और वो जीतेंगे। अजब गजब घर जमाई। हाँ भाई सारे रुझान यही बता रहे हैं। हाँ इस बार जीत मेरी पक्की है, हाँ मैं ही जीतूंगा, बस एक बार काउंटिंग शुरू हो जाए उसके बाद कई लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। अरे जब घर में विभीषण पैदा हो जाए तो मुश्किल तो हो ही जाती है, लेकिन ऊपर वाले ने चाहा तो क्या कांटे की टक्कर, सिर्फ
50-60 वोटों का अंतर रहेगा, अब ये कैसे हो सकता है? ना ना होने तो दो, उसके बाद देखेंगे। बोलने से क्या होता है, बोलने से थोड़ी होता है कुछ। वोट डलेंगी, गिनती होगी, उसके बाद जब काउंट होंगी तब आएगा ना रिजल्ट। हाँ हाँ, ढोल वाले इकट्ठे कर लो, माला इकट्ठी कर लो, हाँ बंदे इकट्ठे कर लो, कम से कम 5,000। लेकिन काउंटिंग कितनी देर में शुरू हो रही है? आधे घंटे में। सारी गलियां जाम हो जानी चाहिए, पूरे जोश के साथ हाँ जश्न मनाएंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल, हाँ अब हाँ फिर वहां से बाकी बिहारी। बस बस ठीक है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया जी। लेकिन नॉर्थ जोन वालों ने तो बोला था कि पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं। जगदम्बे, जमाइयों के वोट बट गए, कहीं इस बार चंडूक सिंह ना जीत जाए। मलकिन मलकिन, डॉली दीदी कह रही है कि छोटे जमाई जी का तो अब तक खाता भी नहीं खुला है। हा? क्या चंडूक 300 वोट से आगे? अच्छा मैं आपसे बाद में बात करता हूं। लॉली जी, ये सब साड़ू भाई की जिद का नतीजा है। जगदम्बे, महान और चिंटू में से कोई भी जीत जाए, पर चंडूक सिंह नहीं जीतना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा होगा और लोग हम पे हंसेंगे। हाँ जी ठीक है, आप समझ गए ना? तो ठीक है फिर, ठीक है जी। नाना जी नानी जी की जय हो। आप लोग तो मुझे इस रेस से भारी समझिए, मेरा कोई चांस नहीं है इस इलेक्शन में जीतने का। हेलो महान जी, आप भारी भरकम वोटों से जीत चुके हैं। क्या मैं जीत गया? मैं जीत गया लॉली, मैं जीत गया लॉली जी, मैं जीत गया। लेकिन चिंटू बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? नानी जी, कभी कभी ना हार के अंदर भी जीत छिपी होती है, वो हुआ यूं। अब आप ये बताइए, आपने स्कूल में क्या क्या किया? पापा, सब लोग कह रहे थे कि तुम्हारे पापा चुनाव पे तो जा रहे लेकिन जीत के नहीं आएंगे। मैंने तो उन्हें कह दिया मेरे पापा जरूर जीत के आएंगे, और आप तो मेरे सुपरमैन है ना। हाँ बेटा, हम आपके सुपरमैन पापा हैं, और वो जीतेंगे, क्योंकि बेटा किसी और के लिए ना सही पर आपके लिए तो हम जरूर जीतेंगे, क्योंकि आप हमारी प्यारी बिटिया हो। चलो अब जल्दी से अपना बैग हटाओ और हाथ मुंह धो लो। ऐसी जीत को जीतने का कोई फायदा नहीं है, साडू भाई के लिए ना सही लेकिन अपनी मोनिका के लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। ये बहुत अच्छा। नानी जी, नानी जी, मैं जीत गया नानी जी। अरे वाह महान बेटा, बहुत बहुत बधाई हो। जी जू, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, ये जीत पूरे शक्तिशाली खानदान की जीत है ना नानी? ये लीजिए चिंटू जी, आप भी मुंह मीठा कीजिए। अरे आप सबको खिला रही हैं, आप खाइए सबसे पहले। लो 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 लो, थैंक यू। नानी पापा, अब मैं स्कूल में बताऊंगी कि मेरे पापा असली सुपरमैन है, देखा जीत गए ना मेरे पापा। आई लव यू पापा। मैं अभी दोस्तों को फोन करके बताती हूँ। इधर आओ इधर। नानी जी मैं बहुत खुश हूँ, इस हार की जीत की जो खुशी है ना वो कभी नहीं मिलेगी, देखो कितने खुश हैं। सच में बेटा। अजब गजब